का मेरा ये वीडियो झूठी अफवाह से पर्दाफाश करने का है। आज मैं इस वीडियो में कोरोना वायरस का काला सच आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। क्या है कोरोना वायरस का काला सच? शायद इसको जानने के बाद आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाए। क्यों कोरोना वायरस का इतना बड़ा हंगामा मचाया जा रहा है? क्यों लोगों के दिल में उसका खौफ पैदा किया जा रहा है? ढेरों हजारों वीडियोस YouTube पर अपलोड की जा रही हैं और दिन बर दिन लोगों के दिल में खौफ बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली जब से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है। कहीं कह रहे हैं कि ये वायरस चमगादड़ के सूप पीने से फैल रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सांप का सूप पीने से ये वायरस की शुरुआत हुई है। दोस्तों, क्या है ये वायरस, कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और क्या सच में इसको खत्म किया जा सकता है? ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जिस वीडियो को शेयर करना बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचा सकता है, ना सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि और भी भयंकर रोगों से। कोरोना वायरस के अलावा भी हर साल 3 करोड़ लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, कैंसर से हर साल 88 लाख लोग मारे जाते हैं और निमोनिया से हर साल 20 लाख लोग मारे जाते हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं? लेकिन इसके बारे में तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देने को भी तैयार नहीं, लेकिन कोरोना वायरस को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को या किसी भी वायरस को खत्म करने की कोई दवाई नहीं बनी और ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, ना कि किसी वायरस को। वायरस होता कैसे है और शरीर में फैलता कैसे है, देखिए आपको साधारण भाषा में समझाती हूँ। जैसे हमारा देश है, देश को हम रक्षा कैसे करते हैं, हमारी सेना रखी गई है जो भारी तौर पे दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी एक देश की तरह है और उसकी रक्षा करता है इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोरोना वायरस जैसे कोई भी हजारों वायरस हम तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ गुजरता है, उसको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर और ढीला पड़ने लगता है तो बहुत तरह के वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और भयंकर रोग हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं और उन भयंकर रोगों की वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमने कोरोना वायरस से नहीं डरना बल्कि हर उस वायरस से डरना है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी मौत का कारण बन सकता है। तो उसके लिए आपको एक बात तो समझ आ गई होगी अब तक की बात में कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम कमजोर कैसे होता है पहले हमें ये जानना है और फिर जानना है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाए और हम बहुत तरह के भयंकर रोगों से और किसी भी वायरस से, चाहे वो फ्यूचर में कभी भी देश में आए, तो हमें उसका खौफ ना हो बल्कि उसका इलाज हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इस आवाज को सुनने वाले हर इंसान के पास अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का इलाज हो, तो वो कभी भी किसी भी वायरस से डरेगा नहीं बल्कि डट कर उसका मुकाबला करेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हमारे रोगाणु हमारे शरीर पर हमला बोल देते हैं और वो रोगाणु सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर ही हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी, बुखार वगैरह। इन सारी तकलीफों से हमें बार बार गुजरना पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी हमारा साथ नहीं दे पाती क्योंकि वो कमजोर हो चुकी होती है। चाहे मौसम का बदलना हो या किसी से हाथ मिलाना या किसी का दूसरे का छींकना और उसके वायरस हमारे अंदर प्रवेश करना, ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम कमजोर किस वजह से होता है? अगर आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुके हैं, आपके शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है, दूसरा रीजन, या आपका वजन बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, तीसरा, आप फास्ट फूड जंक फूड का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं या शरीर को ठीक प्रकार से पोषण नहीं दे रहे, आप पेन किलर एंटीबायोटिक दवाइयों का लंबे समय से सेवन कर रहे हैं जो सीधा सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है, या बहुत समय से तनाव में रह रहे हैं, लंबे समय तक आप कम नींद ले रहे हैं और या देर तक सो रहे हैं, या अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। इसके साथ साथ
शराब पीना, ड्रग्स लेना, कोई भी सिगरेट पीना, ये सारे आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। जब एक छोटा बच्चा होता है या जब बूढ़ा इंसान होता है, सिर्फ उसका ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आपने देखा है इन दोनों चीजों को, यानी इन दोनों लोगों को ये सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन आजकल के समय में ये प्रॉब्लम यंग जनरेशन को भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जीवन शैली इतना खराब हो चुका है कि हमने खुद ब खुद अपने इम्यून को खराब कर लिया है, और उसके बाद हम उसको और नुकसान देते हैं एंटीबायोटिक दवाइयां खा के। और हमारे माइंड में क्या होता है कि अच्छा हुआ मैंने दवाई खा ली, नहीं तो ये फीवर पता नहीं कैसे उतरता। लेकिन जो फीवर आपकी बॉडी से खुद ब खुद ठीक होना था, 3 दिन के अंदर उसको आप 6 दिन लगा देते हैं एंटीबायोटिक दवाइयां खाकर, और वो उतने ही भयंकर रूप में दोबारा आपके सामने आता है नई और तरह की बीमारियां लेकर। साथ के साथ अगर आप पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, या फिर आप चीनी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो इसका भी सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर आता है। अब जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना कैसे है, किन चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाना है, जिससे कि कोरोना वायरस क्या उसके जैसे हजारों वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम बेखौफ खुश अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। इसके लिए आपको आहार में लेना है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बीमार कोशिकाओं को दुरुस्त करते हैं और सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं, जिसके लिए आपको लेना है बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, B12, B6, B2, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। ये सारे वो जिंक्स हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इन तत्वों की भरपाई हम गाजर, पालक, चुकंदर, टमाटर, फूल गोभी, खुमानी, जौ, भूरे चावल, शकरकंदी, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम, लौकी के बीज, तिल, इन सब से पूरा कर सकते हैं। सारी हरी साग सब्जियां और फल स्पेशली इस चीज में शामिल होता है। सर्दी हो या गर्मी, अपने बॉडी में पानी की रेशो पूरी रखो, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें। गर्मी या सर्दी हो, सुबह की पहली धूप आधे घंटे के लिए अपने शरीर पर जरूर लें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, विटामिन डी बढ़ता है। अपनी डाइट में लहसुन और हींग को शामिल करें, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल गुण होते हैं जो हमारे अंदर इम्यून को बढ़ाते हैं। अपने खाने में खट्टे फलों को जरूर शामिल करें, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज, रोजाना अपनी जिंदगी को 10 से 15 मिनट दें, जिसमें कोई भी योगासन या एक्सरसाइज करें। इससे आपके शरीर के अंदर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। तो गाइस, आज के बाद मेरा वीडियो या दुनिया का किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी वायरस आया हो तो बेखौफ उसका सामना करिए, अपने इम्यून पावर को बढ़ाइए, अपने बच्चों को ये डाइट दीजिए और बेखौफ उनको भी कहीं भेजिए। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन और इनोवेटिव और ऐसी ही खतरनाक खौफनाक चीजों से पर्दाफाश करती रहूंगी, लाती रहूंगी आपके लिए कुछ नया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।